हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डाटा स्टडी चेंजिंग वे ऑफ लर्निंग। तो आज की वीडियो में हम जो है भारत की जनजातियों के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल डाटा स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट अपडेट की जानकारी मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो में हम जो है प्रमुख राज्य राज्य और उनकी प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला राज्य कौन सा है। तो पहला राज्य आपका है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली प्रमुख जातियां कौन कौन सी हैं? तो पहला आपका है, पहली जाति आपकी है, पहली है बकरवाल, बकरवाल, दूसरी गद्दी, लद्दाखी और गुज्जर। ये चार प्रमुख जनजातियां जो हैं पाई जाती हैं आपके जम्मू कश्मीर में, बकरवाल, गद्दी, लद्दाखी और गुज्जर। तो आइए देखते हैं अगला अगले अगला कौन सा अगला राज्य। तो अगला राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं लाहौली, कनौरा और गुज्जर। तो ये तीन प्रमुख जनजातियां जो हैं कौन कौन सी? लाहौली, कनौरा, गुज्जर। लाहौली, कनौरा, गुज्जर, लाहौली, कनौरा, गुज्जर। तो ये तीन प्रमुख जनजातियां जो है हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं थारू, खासी, कोय, मारा, नीत। तो ये जो है पांच जनजातियां प्रमुख रूप से उत्तराखंड में पाई जाती कौन कौन सी हैं? फिर एक बार देखिए, थारू, खासी, कोय, मारा, नीत। थारू, खासी, कोय, मारा, नीत। तो ये कहाँ की हैं? तो ये उत्तराखंड में पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली कौन कौन सी प्रमुख जातियाँ हैं? तो ये प्रमुख रूप से तीन जातियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? कोल, खरवार, थारू और भी कई जनजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य प्रमुख रूप से जो है ये तीन जनजातियाँ पाई जाती हैं, थारू, खरवार और कोल। तो ये उत्तर प्रदेश की जातियाँ हैं, थारू, खरवार, कोल, थारू, खरवार, कोल। तो ये तीन जनजातियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों की बात की जाए तो ये जो है गोंड, भील, कोल, लंबाडी, बंजारा, मुरिया। तो ये जो है कहाँ पाई जाती हैं? तो ये जातियाँ जो है आपके मध्य प्रदेश में थी। कौन कौन सी? तो पूछा था भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, सबसे ज्यादा जो है जनजाति कौन सी है? तो वो है गोंड। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति गोंड है। तो ये कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश पाई जाने वाली जातियां गोंड, भील, कोल, लंबाडी, बंजारा, मुरिया। गोंड, भील, कोल, लंबाडी, बंजारा, मुरिया। तो ये जो है ये जातियां प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। आइए देखते हैं आपका अगला। अगला है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं आपकी मोरिया, कमार, कोरबा, मारिया, गोंड, अबुजमड़िया, पहाड़ी कोरवा। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आपके प्रमुख रूप से कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? मोरिया, कमार, कोरबा, मोरिया, कमार, कोरबा, मारिया, गोंड, अबुजमड़िया और पहाड़ी कोरवा। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है उड़ीसा में पाई जाने वाली, अगला है आपका उड़ीसा में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति। तो उड़ीसा में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो संथाल, हो, कोलच, जुआंग, खरिया, भुरिया और चेचू। ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये उड़ीसा में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? संथाल, हो, कोलच, जुआंग, खरिया
भूरिया, चेचू। एक बार फिर से देख लेते हैं, संथाल, हो, कोलच, चुआंग, खरिया, भूरिया, चेचू। तो ये सभी जो है उड़ीसा में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे है झारखंड, आगे है झारखंड। तो झारखंड में जो है कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? झारखंड की राजधानी रांची है, और जो है तो यहाँ की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो पहली जनजाति संथाल, फिर अगली हो, संथाल, हो, मुंडा, बिरहोर, कोरबा, असुर और भुइया। कौन कौन सी? संथाल, हो, मुंडा, बिरहोर, कोरबा, असुर, भुइया। तो ये कहाँ झारखंड में पाई जाने जनजातियां हैं? आगे देखते हैं, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो है अपने दोस्तों में शेयर करिए, और ताकि आपको जो है शेयर करिए, ताकि और वीडियो को जो है लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और जो है बस अपना प्यार बनाए रखिए, और हमारे वीडियो को जो है देखते रहिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।